मंडी जिला का जंजैहली क्षेत्र जल्द ही इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर चमकेगा। क्षेत्र में इको टूरिज्म के साथ साथ साहसिक और ग्रीन टूरिज्म के मैप से पर्यटन को नए पंख मिलेंगे। इसे लेकर प्रशासन और प्रदेश सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है और कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वन एवं युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जंजैहली में विभिन्न इको टूरिज्म साइट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जंजैहली घाटी प्रदेश की सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। यहाँ पर्यटन की गतिविधियों को नए आयाम देने की संभावनाएं हैं। पर्यटन संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन संभावनाओं का पूरा उपयोग किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर सविता के अलावा वन एवं युवा सेवाएं व खेल विभाग के आला अधिकारी मंत्री के साथ मौजूद रहे। राकेश पठानिया ने सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुरहाग के भराड़ी में बने प्रदेश के पहले मनरेगा पर्यटन पार्क का भी उद्घाटन किया। और राकेश पठानी ने सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुरहाग के भराड़ी में बने प्रदेश के पहले मनरेगा पर्यटन पार्क का दौरा किया और मनरेगा पर्यटन के अनूठे कॉन्सेप्ट को सराहा। इसके उपरांत उन्होंने भुलहा में 1.44 करोड़ की लागत से बनने वाले वन प्राणी चेतना केंद्र स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भुलहा में ग्रीन विलेज के लिए जगह चयनित कर स्थल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि शिकारी देवी में भी ग्रीन विलेज के लिए स्टैंड चयनित किया गया है। दिल्ली में बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पे जो है अवसर तलाशने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरी टीम हमारी यहाँ पे आई है, मेरे साथ हाई पार्क कमेटी पूरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और यूथ एंड स्पोर्ट्स की। हम पूरा इसमें इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म, इसको सारा कंबाइंड करके जंजैहली को इंटरनेशनल मार्केट के मैप में लेकर आना, इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। और अब आज एक साइट देखी है, अभी शिकारी माता की तरफ जा रहे हैं, अब कल सुबह फिर और दो साइट्स देखेंगे। अभी तो दूसरे साइड चल रहा है, पर हमारी कोशिश रही तो अगर सब बोलना कृपा रही और कोविड अगले साल तक ढल गया तो अगले साल के मिड तक हम इसको चालू कर देंगे, क्योंकि सारा का सारा ये जो प्रीफैब आएगा, टेंटेड एकोमोडेशन है, सारा प्रीफैब आएगा। इसमें पूरा हिमाचल का कल्चर डिस्प्ले किया जाएगा, हिमाचल के कुजींस को डिस्प्ले किया जाएगा, हिमाचल के नाटियों को, डांसेस को, हिमाचल का हर एक 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 किस्म का छोटा हिमाचल जंजैहली में बनाने का प्रयास करने के लिए उस दृष्टि से मैं यहाँ पे आ जाया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और सबसे हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत, जिसको कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत इलाका है, तो इसको विकसित करके हम इसको इंटरनेशनल मैप पे लाना चाहते हैं और ग्रीन टूरिज्म के माध्यम से लाना चाहते हैं। और इसमें युवाओं के लिए, लोकल यूथ के लिए बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट का हम एक जनरेशन पैदा करेंगे।